नमस्कार, न्यूज वन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। दिनभर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। बिहार से इस वक्त खबर आ रही है जहां पर यूपी का फॉर्मूला लागू होने जा रहा है। बिहार में दो डिप्टी सीएम के नाम तय किए गए हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के नाम पर मोहर लग गई है। कटिहार से चौथी बार विधायक चुने गए थे तारकिशोर प्रसाद। बीजेपी विधायक दल ने रेणु देवी को भी चुना है उपनेता के तौर पर, और उपनेता रेणु देवी भी माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनाई जाएंगी। यानी कि एक फॉर्मूला यहाँ पर यूपी वाला आपको देखने को मिलेगा। बिहार में शाम 4:30 बजे आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी यादव शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव, जिन्होंने कड़ी टक्कर दी थी एनडीए को, शामिल नहीं होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के शामिल नहीं होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि इस इवेंट को शानदार बनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय को सजाया गया है, सवारा गया है। राजभवन में भी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 16 से 14 मंत्री शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार के साथ। तो नीतीश कुमार के साथ कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे, चलिए आपको बताते हैं। जेडीयू की सबसे पहले बात करते हैं। जेडीयू की तरफ से विजय चौधरी, इसके साथ ही विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला मंडल, और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, इन दोनों को डिप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। और जाहिर तौर पर प्रोफाइल भी मिलेगा, पोर्टफोलियो भी मिलेगा कैबिनेट का। हम में से एक विधायक को कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा, संतोष मांझी। इसके साथ ही वीआईपी की तरफ से, जो कि वीआईपी के अध्यक्ष भी हैं, मुकेश सहनी को भी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। तो 14 से 16 आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अपने आप में ये बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। बिहार में 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शाम 4:30 बजे पद गोपनीयता की शपथ लेंगे। हालांकि इस बार नीतीश कुमार की जेडीयू ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, सिर्फ 43 सीटें जीत कर आई, और जो हमेशा छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी रहती थी वो इस बार बढ़ गई है, उसका कद बढ़ गया है बड़े भाई की भूमिका में, बिग ब्रदर, 74 सीटें। और चूंकि ये नीतीश कुमार ने कहा कि जब आपकी सीटें ज्यादा हैं तो बीजेपी की तरफ से आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन चूंकि पहले ही कमिटमेंट किया जा चुका था बीजेपी की तरफ से, लगातार बीजेपी के नेता ये कहते रहे कि एनडीए का जो नेता है वो नीतीश कुमार ही है बिहार में, और नीतीश को ही आज मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही बिहार में शपथ ग्रहण पर आरजेडी का ऐलान सामने आ गया है, जिसमें आरजेडी शपथ ग्रहण का बॉयकॉट कर रही है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है, इस तरह का मानना है आरजेडी का। जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया। बिहार के बेरोजगारों, किसानों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछें कि उन पर क्या गुजर रही है। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। तो ये ट्वीट कर आरजेडी की तरफ से ऐलान कर दिया है कि वो आज इस समारोह का, इस कार्यक्रम का, शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो होना है राजभवन में, उसका हिस्सा नहीं होंगे। इसके पीछे वजह बता दी गई है। कहा गया है कि शासन निर्देश में बदल दिया गया जनादेश को, तो जनादेश को शासन निर्देश से बदल दिया गया, यानी पर घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप लगा था, ईवीएम को कंट्रोल करने का आरोप आरजेडी लगा चुकी है, और वो ये कह रही है कि ये बदलाव का जनादेश जनता के विरुद्ध है। जनता ने कुल मिलाकर वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें चुना था, लेकिन यहां पर ईवीएम के जरिए पूरे जनादेश को पलट दिया गया है। शासनादेश के जरिए नहीं, प्रशासन के जरिए गंभीर आरोप लगाते हुए बॉयकॉट कर दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह का आरजेडी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से अगली खबर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए हैं सपा नेता अनुराग भदौरिया। बिहार चुनाव के नतीजों पर निशाना साधा। आरजेडी और कांग्रेस का आपसी मामला है ये। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती तो बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस में भी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं, और अब यहां पर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर अच्छा करती तो महागठबंधन को मौका मिल जाता सत्ता में आने का। यानी कुल मिलाकर हार का ठीकरा जो है वो कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत कर आई है, जबकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, 75 सीटें जीती है, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा।
और इसी को लेकर न सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद बल्कि अनुराग भदौरिया भी कुछ इसी तरह की बात कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये आरजेडी और कांग्रेस का आपस का मामला है, चूंकि उनका आपस में गठबंधन है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन एक बात तो सच है, अगर बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा होता तो शायद आज वहां पे महागठबंधन की सरकार होती। तो चुनाव के नतीजे आने के बाद आरजेडी कांग्रेस में खटपट चल रही है, मतभेद ये परिणाम की वजह से है। आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस ने अच्छा प्रचार नहीं किया, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, और इसी को अनुराग भदौरिया अपनी बातों में बढ़ाते हुए, अनुराग भदौरिया भी कहते हैं हालांकि आरजेडी कांग्रेस का अपना मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर अच्छा करती तो ये महागठबंधन के लिए अच्छा होता, महागठबंधन की सरकार बन रही होती। दिल्ली से अगली खबर है, जहां पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता को शांति, अहिंसा, बंधुत्व का मार्ग दिखाया, ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास आप देखें तो आप महसूस करेंगे, जब भी भारत को आंतरिक प्रकाश की जरूरत हुई है, संत परंपरा से कोई ना कोई सूर्य उदय हुआ है, कोई ना कोई बड़ा संत हर कालखंड में हमारे देश में रहा है, जिसने उस कालखंड को देखते हुए समाज को दिया है। आचार्य विजय वल्लभ जी ऐसे ही संत थे। संतों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी में मैं आचार्यों संतों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम संतों आचार्यों महंतों का है। राजनीतिक क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल और आध्यात्मिक क्षेत्र में जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज, वैसे मैं दोनों ही महापुरुषों में एक समानता और देखता हूं। दोनों ने ही भारत की एकता और भाईचारे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था, और आज जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। संतजन, भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। रुद्रप्रयाग से अगली खबर, जहां पर केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है और इस वजह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फंसे हुए हैं। मौसम खुलने का इंतजार किया जा रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह में हैं दोनों ही सीएम। ये सुबह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब पूजा अर्चना की सुबह 4 बजे, दोनों सीएम ने एक साथ बाबा केदार के दर्शन किए। 8:30 बजे जब कपाट बंद हुए, तो उस दौरान चूंकि बर्फबारी रुक नहीं रही है, लगातार ये सिलसिला सुबह से चल रहा है। इस वक्त आवास गृह में दोनों ही सीएम मौजूद हैं, इंतजार यही हो रहा है कि मौसम खुले। आपको बता दें कि दोनों ही सीएम को, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों ही सीएम को बदली रवाना होना है, लेकिन मौसम अड़ंगा डाले हुआ है। बाबा केदारनाथ धाम में कपाट बंद हो गए हैं, सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया बाबा केदारनाथ का धाम। सीएम योगी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज दर्शन किए। सुबह 6 बजे केदारनाथ लिंक को समाधि दी गई। बर्फबारी ने केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ा दी है, -4 टेम्परेचर बताया जा रहा है। ना सिर्फ केदारनाथ में बल्कि बद्रीनाथ में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं, 19 नवम्बर को बद्रीनाथ कपाट बंद होंगे। We'll be right back.
मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पहला दौरा है उत्तराखंड का। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। बाबा केदार के आशीर्वाद लेने के बाद क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग यहाँ पर मंदिर में 4:15 बजे से ही पूजा में शामिल हुए थे। प्रकृति भी भगवान भोले बाबा केदारनाथ के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रही है। और आज यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है, इसलिए 1.5-2 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि भारी मात्रा में ये बर्फबारी हो रही है। सचमुच मौसम बहुत सुहावना है, अच्छा है। हम लोग भी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं भगवान भोलेनाथ की गोद में। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने, उनके मार्गदर्शन ने, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड की श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य जिस तन्मयता के साथ किया, जिस प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ किया है, बहुत जी के दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। वो क्या कह रहे हैं उनको सुनिए। भगवान केदारनाथ जी के समाधि दर्शन किए हैं और अब भगवान केदारनाथ आगामी 6 माह उखी मठ उषा मठ में दर्शन देंगे। वह भगवान से सभी के सुख और मंगल की कामना है। आज ये परम सौभाग्य है कि शिव जी का वस्त्र माना जाता है सफ़ेद वस्त्र, ये बर्फ, और आज जहाँ केदारनाथ जी समाधि वास में गए हैं वहीं आज प्रकृति ने पूरी खूबसूरती यहाँ बखेर दी है कहना चाहिए। सब लोगों ने जहाँ बाबा केदार का आशीर्वाद लिया वहीं आज यहाँ पर बर्फबारी के भी दर्शन हो रहे हैं। ये बर्फ केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, केवल पर्यटकों के लिए नहीं है, बल्कि देश के उन किसानों के लिए भी है जहाँ से इस बर्फ़ से पानी बन करके और उन खेतों में जाकर अमृत की वर्षा करनी है, जहाँ से हमारा किसान मुस्कराता है, किसान में खुशहाली आती है और देश को। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस मौके पर दोनों राज्यों के सीएम ने एक साथ दर्शन किए। आला अधिकारी भी उस दौरान मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग के एसपी नवनीत सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। कंटिन्यूस टच में है और जैसे ही बर्फबारी रुकती है और मौसम खुलता है फिर कार्यक्रम अपने बनाए हुए कार्यक्रम के अनुसार आगे प्रस्थान करेगा। थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि अभी वेदर पैक है, विजिबिलिटी कम है और स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन सारे संबंधित अधिकारी और फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है और कंटिन्यू सभी के हम टच में हैं।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। गुपकर गठबंधन 370 वापस चाहता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस देश विरोधियों के साथ बनी हुई है, जुड़ी हुई है। कांग्रेस भी गुपकर गठबंधन में शामिल है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा चुका है कि वो गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन में शामिल है। गुलाम नबी मोंगा ने इस बात का ऐलान किया था और उसी को लेकर रविशंकर प्रसाद निशाना साधते हुए, मजदूर हूं उन सबों को बचाने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों से कि जब आप आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये सारे कानून कश्मीर में नहीं लगे। आप चाहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगे ताकि कश्मीर के नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं वो चलता रहे। आपको मालूम है ना कि कश्मीर में रिजर्वेशन का लाभ SC/ST को गंभीरता से नहीं मिलता। आपको मालूम है कि कश्मीर में मंडल कमीशन का भी बेनिफिट वहां के पिछड़ों अति पिछड़ों को नहीं मिलता। और देश को यह जानना जरूरी है कि कश्मीर में बड़ी संख्या में SC हैं, ST हैं, मल्लाह जाति के लोग हैं। मैं गया हूं कश्मीर में, मैंने काम किया है। ये जो पूरा डल लेक के आसपास बड़ी संख्या में हमारे निषाद भाइयों का वहाँ संख्या रहती है, जो गुज्जर हैं, जो बकरवाल हैं, इनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो क्या इन सबों को दोबारा इस लाभ से छीनने की कवायद हो रही है क्या? द BJP वुज लाइक टू नो दैट व्हेन द गुपकार डिक्लेरेशन अलायंस टॉक्स ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, दे सिंपली मीन दैट दीज लॉज शुड हैव नो एप्लीकेशन फॉर द पुअर डिप्राइड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिप्लाई टू इट फर्स्ट। दूसरा सवाल है कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की दो अगली हकीकत, क्रूर हकीकत, टू अगली फेसेस ऑफ JNK, भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए, जो कश्मीर में रह गए उनको वोट देने का अधिकार तो भूल जाइए, उनको मकान खरीदने, जमीन खरीदने का भी अधिकार नहीं, और जो वहां से निकल के पंजाब से आगे बढ़ गए वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइके गुजराल, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो गए LK आडवाणी। तो कितनी बड़ी क्रूर नियति थी कश्मीर की, that people who were forced by circumstances to stay in JNK were deprived of the basic rights available there. और आपको मालूम है कि बहुत से लोग पंजाब आ गए थे तो नेहरू जी के आग्रह पर शेख अब्दुल्ला उनको वापस ले गए थे, तुमको हम जगह देंगे वहां। जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस पर रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों से कांग्रेस जुड़ गई है। अहमदाबाद से अगली खबर, जहां पर बापू नगर में देव बदमाश नाम के युवक का एक फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में युवक तलवार से केक काट रहा है, फायरिंग कर रहा है। फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं त्योहारों को लेकर अहमदाबाद की पुलिस की तैयारी कैसी है, इसको लेकर अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा DGP ने बताया है कि कई पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। VS अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जहां पर कोल्ड स्टोरेज रूम से बुजुर्ग महिला का शव गायब मिला है। 69 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी। कनाडा से अंतिम संस्कार के लिए बेटा पहुंचा था। कोल्ड स्टोरेज रूम में शव को ही बदल दिया गया। 11 नवंबर को वेजुलपुर की रहने वाली बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। उसका शव अब गायब है। उसका बेटा अंतिम संस्कार करने के लिए कनाडा से पहुंचा है, लेकिन उसे अपनी बुजुर्ग मां का शव नहीं मिला है। आप अंदाजा लगाइए अस्पताल के प्रशासन के लेवल पर कितनी बड़ी लापरवाही रही होगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में लोग अपने घरों में दीपक जलाने से पूर्व अयोध्या की हनुमानगढ़ी जाते हैं, जहां पर हनुमान जी के सामने माथा टेकने और दीप जलाने का रिवाज है। देखिए किस तरह से लोग अयोध्या में दिवाली मनाते हैं। कहा जाता है त्रेता युग में भगवान राम ने लंका पर जब विजय की थी तो अयोध्या पहुंचने से पहले पवन सुत बजरंग बली को अयोध्या भेजा था। दीपावली के एक दिन पहले हनुमान जी अयोध्या पहुंचे थे और यही कारण है कि अयोध्यावासी उन्हें अपना कोतवाल कहते हैं। हम दिखाते हैं अपने सहयोगी के माध्यम से किस तरह से अयोध्या की हनुमानगढ़ी को रंगा गया है, सजाया गया है, ऊपर से नीचे तक परस्पर हर तरफ लाइटिंग लगाई गई है, दीपक भी जलाए गए हैं और लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबसे खास बात अगर मैं कहूँ कि चाहे कोई न्यायिक अधिकारी हो, चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, लेकिन अयोध्या हनुमान जी की शरण में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ वह एक भक्त नजर आता है। हमारे साथ इसी तरह मौजूद हैं अयोध्या जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर सुनील सिंह जी, आज अयोध्या में मौजूद हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं इस हनुमानगढ़ी, चूँकि पौराणिक मान्यता है कि अयोध्या के हनुमान जी को कोतवाल कहा जाता है, एक सीजीएम कोतवाल की शरण में? जी, वो तो पूरी दुनिया उनकी शरण में है, तो सीजीएम तो क्या चीज़ है, लेकिन ये इस मुहूर्त में जब दिवाली का टाइम है और पूजन हो रहा है सब जगह, और इस मुहूर्त में दर्शन मुझे हनुमान जी के मिले, मैं तो बिल्कुल गौरवान्वित हो गया। मतलब कि मेरा जन्म लेना जो है वो साकार हो गया, जो है आज जो दर्शन हुए मुझे हनुमान जी के, अलौकिक अद्भुत अद्भुत दर्शन। ऐसा लगा कि हनुमान जी यहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं कहीं ना कहीं हैं इस मंदिर में। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है आज दर्शन करने की। बिल्कुल, वह जो अनुभूत है परस्पर, वह दिखती है कहीं ना कहीं से। हम और तमाम सारी तस्वीरों को दिखाएंगे, आगे बात भी करेंगे सीजीएम सर से। देखिए किस तरह से कनक भवन भी यहाँ से नज़दीक में है, वहाँ भी ये मान्यता है कि राजा दशरथ ने माता सीता को मुँह दिखाई में दिया था, और उस कवरेज में हम और भी बात करते रहेंगे। सीजीएम सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि इस अयोध्या की मान्यता के बारे में, चूँकि आप एक कानून के जानकार हैं, तमाम सारे लोगों को सजा भी आपने सुनाई होगी, कई बार मन जो है द्रवित भी हुआ होगा, आज इस हनुमानगढ़ी पर हैं, किस तरह से जो है अपने आप को महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, लेकिन ये सजा करते समय हमें ये भी देखना होता है कि पीड़ित को कहाँ तक पीड़ा हुई है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी कोई अहम निर्णय लिया जाता है उसमें, और उसमें गलती ना हो जाए इसके लिए दरबार में बार बार आना पड़ता है। और हनुमान जी हमारे संकट मोचक हैं, और जब भी कभी कुछ गड़बड़ी हुई है, मैं इस दरबार में ज़रूर हमने माथा टेका है और विनती किया है कि भगवान संकट मोचन आप ही करें। सर, हम आपसे ही समझेंगे कि हनुमानगढ़ी आप पिछले लगभग कब से आ रहे हैं सर? मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैंने जब चार्ज लिया था तब भी मैं यहीं पे आया था और माथा टेका था, उसके बाद से मैं लगातार आ रहा हूँ। हर मंगल को हमारे जिला जज साहब भी आते हैं और माथा टेकते हैं भगवान के दरबार में। मेरे को सौभाग्य मिलता है कि मैं उनके साथ भी जो है दर्शन करूँ भगवान। सर, जयकारा लगाएंगे क्या? हाँ, बोल। बोले सियापति रामचंद्र की, बजरंग बली की, अयोध्या धाम की। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज वन इंडिया, अयोध्या। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज वन इंडिया पर।